वालेकुम कैसे हैं आप सब जी उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ जी तो वेदर आप कनाडा का चेक कर रहे हैं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है और सुबह सुबह हम लोग जैसे हमें घर में काफ़ी मिलती है आज हम आ गए हैं यहाँ पे काफ़ी पीने के लिए तो काफ़ी टाइम से जो है ना वो है रियाज भाई कह रहे थे कि वहाँ चलें बच्चों को ले कर चलें तो वहाँ जा के पीते हैं बड़ा अच्छा जो है ना वहाँ पर जाके नाश्ता करते हैं ये वो तो बच्चे तो ये है कि वो मुश्किल से ही सुबह सुबह उठते हैं तो हम लोग जो है ना यहाँ पर आगे वेदर भी ऐसा था हमें जो है ना वो थोड़े ए, काम भी थे बाय तो फिर इसलिए फिर हम ही लोग आए हैं यहाँ पे और यहाँ पे अब आज बैठ के पियेंगे कॉफ़ी तो इन्जॉय करेंगे और फील करेंगे जी कैनेडा में काफ़ी यहाँ पे बैठ के पीने का क्या ही मजा है तो जी शानदार किस्म की कॉफी जो है ना वो आ गई है और हम लोग यहाँ पे बैठ के अब कॉफी को इन्जॉय करेंगे मेरे हस्बैंड जी जो है ना वो यहाँ पे आए हैं जी अब सेकंड टाइम मतलब कनाडा में सेकेंड टाइम है 1994 में वो पहले आए थे तो उस वक्त से अब तक जो है ना बहुत ज़्यादा तारीफ किया करते थे काफ़ी काफ़ी की तो वाकई जी उनकी तारीफ कोई मतलब ऐसे ही नहीं थी वाकई यहाँ की काफ़ी काफ़ी है तो टिम होटल में यहाँ पे बैठ के हम लोग काफ़ी को इन्जॉय कर रहे हैं वेदर को इन्जॉय कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में आज जो ये मैं वीडियो आप से जब शेयर कर रही हूँ तो दो तीन दिन हो चुके हैं स्नो वगैरह ख़त्म हो चुकी है फिल वक्त लेकिन अभी यह है कि बाहर आपको रोड्स पर नज़र आती है काफ़ी हद तक मेल्ट भी हो चुकी है लेकिन यह है कि आपको थोड़ी थोड़ी नज़र आती है और वेदर जो है ना हम लोग फील करते हैं कि काफ़ी अच्छा हो चुका है तो अच्छे से मुराद ये है कि स्नो वगैरह नहीं है अब और वेदर जो है ना काफ़ी अच्छा लगता है कभी कभी धूप इतनी मज़ेदार किस्म की निकलती है कि लगता है कि बस अब जो है ना वो आगे जो है वेदर चेंज हो जाएगा लेकिन उस धूप में जो ठंड होती है ना वो जो स्नो में आप फील करते हैं ना उससे कहीं ज़्यादा होती है तो यहाँ पे जी हम लोग कर रहे हैं नाश्ता आज के ब्लॉग में जैसा कि अब स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया कि हम क्या कर रहे हैं तो ये आज की मेरी पूरी होल डे की रूटीन है और आज मैं आपको है दो जो चीज़ें हैं बड़ी अहम हैं एक तो मेरा टोटका है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी दूसरा ये कि आज मुझे सरप्राइज़ मिला इस वजह से भी जो है ना मेरा आज का ब्लॉग बहुत अच्छा है और कनाडा में जो हमारी जो है पूरे होल डे की रूटीन है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे कि हम पूरा दिन क्या कुछ करते हैं हर दिन होता तो मुख्तल ही है आपका भी मुख्तलिफ होता होगा मेरा भी मुख्तलिफ है लेकिन यह है कि मैंने सोचा कि आज जो है ना वो पूरा दिन जो भी हम करेंगे वो आपके साथ जो है ना वो शेयर करेंगे एक तो ये है कि हम लोग पाकिस्तानी जो हैं हम लोगों का सुबह से लेकर रात तक खाने का प्रोग्राम चलता रहता है और बस खाने के बारे में सोचते रहते हैं क्या खाना है क्या पकाना है तो बस आपने जब आज का मेरा ब्लॉग देखेंगे तो आपको भी सारा कुछ यही कुछ नज़र आएगा कि क्या कुछ करते हैं क्या एक्टिविटीज़ होती हैं घर के काम का तो हैं वो तो है रोज़ की रूटीन ही है लेकिन जो बाकी मामला हैं वो भी आपके साथ शेयर जी अंदर बैठ के हम काफ़ी पीने का जो है ना वो मज़ा ले रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे और बाहर यहाँ पे आके स्नो का मज़ा ले रहे हैं तो बहुत ही अच्छी फीलिंग्स आ रही थी बहुत ही अच्छा जो है ना लग रहा था तो चलें जी आज की बाकी को रूटीन जो है ना वो फिर आपके साथ शेयर करते हैं और आपको बताती जाऊं कि ये बहुत ही स्पेशल किस्म का जो है ना हम आज रेसिपी बनाने जा रहे हैं इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उसमें लेमन गार्लिक एप्पल साइडर विनीगर और जिंजर है और साथ में इसके हनी है ठीक है जी तो ये हम बनाने जा रहे हैं आज होम रेमेडी आप इसको कह सकते हैं कि इन चीज़ों को हम सारा जो है ना वो पील करेंगे और लेमन का जूस निकालेंगे अदरक का जूस निकालेंगे और इसके साथ हम बनाएंगे एक ज़बरदस्त किस्म की हार्ट के लिए जो है ना वो होम रेमेडी बनाएंगे तो ये आपने तो यूट्यूब में जो है ना वो इसको बहुत ज़्यादा देखा होगा लेकिन आज हम घर पे बना रहे हैं मेरे ख्याल में मेरे चैनल पे आपने इसको पहले भी देखा होगा हमने पहले भी बनाई थी लेकिन आज यहाँ पे दोबारा से इसलिए बना रहे हैं कि सब जो है ना वो खा खा के गोश्त और है, इस तरह की मुरगन किस्म की गज़ाएँ खा खा के सब जो है ना कोई ना कोई कंप्लेन कर ही रहा है कि हमारे हार्ट पे जो है ना वो इस तरह का बोझ है इस तरह की प्रॉब्लम है ये हो रहा है वो हो रहा है फील हो रहा है तो ये जो है ना आप जब बना लेते हैं इस्तेमाल करते हैं तो समझ लें कि ये आपके लिए हार्ट आपके हार्ट के लिए ये बिल्कुल स्वीप का काम करता है तो चलें पहले जो है ना वो आपको बताते हैं कि ये किस तरह से रेडी करना है आपने लेनी नहीं, नहीं है जिंजर जी और आपको इसको इस तरह से आप पील करेंगे अगर आप छुरी के साथ पील करेंगे तो थोड़ी सी मुश्किल होगी लेकिन आप स्पून के साथ करेंगे तो बहुत अच्छी किस्म की जो है ना ये आपकी जिंजर पील भी हो जाएगी और बहुत आसानी से और बहुत जल्दी भी हो जाएगी तो जी मैं कर रही हूँ यहाँ पे जिंजर को पील हस्बैंड जी कर रहे हैं गार्लिक जो है ना उसको छील रहे हैं और यहाँ पर सभी जो है ना कोई ना कोई जो है ना आके अपना ऑनर दिखा रहे हैं देख के आप भी कह रहे होंगे कि पील कर कर के आप लोगों ने ढेर लगा रहे हैं पता नहीं कितनी जो है ना वो कोई देख चढ़ाने लगे हैं क्या करने लगे हैं असल में हमें सारी चीज़ों का एक एक कप ही चाहिए गार्लिक का एक कप चाहिए जिंजर का एक कप चाहिए मतलब आपकी मेजरमेंट सेम ही है और उसके अलावा आपको विनीगर एक कप चाहिए और लेमन का भी एक कप चाहिए लेकिन ये है कि फिर ये चीज़ जो है ना वो कप भी काफ़ी कह लें कि छोटा सा है इतना बड़ा नहीं है लेकिन फिर भी हमें लग रहा था कि ये थोड़ा कम ही बन रहा है तो बहर जी मेयरमेंट इसकी इसी तरह से होनी चाहिए तो मैं तो अपनी जो जिंजर है वो काट के बैठ के सब मुंह देख रही थी कि भईयाब आप करते रहे मैंने तो पाँच मिनट लगाए और मेरी जो जिंजर थी वो तो होगी और इसका जूस भी आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा निकल आता है तो जिन्होंने गार्लिक छीलना था वो काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं ये देखें कितने ज़्यादा जो है ना वो इन्होंने छील छील के रखे हुए हैं तो एक कप सारी चीज़ों का चाहिए था बच्चे भी इधर ही कह रहे हैं खाना भी इधर ही बन रहा है तो हम लोग जो है ना वो आज यहीं पर किचन में सारे मसरूफ़ हैं सब अपनी अपनी जो है ना एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ हैं तो ये जी जब होने हो जाएगा सब कुछ तो फिर साथ साथ आपको दिखाते रहेंगे कि क्या कुछ होता है यहाँ पे जो जारा मलक कहती है जी मुझे पानी का ढक्कन खोल दें अब मैंने कैमरा उठाया हुआ है और साथ में इसको पानी का ढक्कन कैसे खोल के दूँ तो मैंने कहा ठहरो आप वेट करो मुझे अब कैमरा अपने हाथ से रखने दो उसके बाद मैं आपको जो है ना वो इसका ढक्कन खोल के देती हूँ तो जी ये मैंने उसको खोल के दे दिया ये बेचारी अभी आई है स्कूल से और यहाँ पे सीधी आ गई है कि ये सारी जो महफिल यहाँ पे लगी है वो किस चीज़ की है साथ ही जी दिन का खाना भी रेडी हो चुका है क्योंकि जब ज़ारा को लेके आते हैं स्कूल से साढ़े तीन बजे तो उस वक़्त ये थोड़ा बहुत जो है ना वो खाना खा लेते हैं और फिर रात को फिर दोबारा से डिनर करते हैं अभी जो है ना दिन को जो भी यहाँ पे अभी बना हुआ है सब्ज़ी बनी हुई है और उसके साथ आप सारे खाना खाने लगे फोन आ रहा है और मैं जा रही हूँ फोन की आवाज अंदर आ रही है फोन सुनने के लिए जा रही फोन बज रहा है मेरे अबू का फोन है असलाकुम अच्छा जी यहाँ बैठ के फिर मैंने अबू जी से गपशप लगाई थोड़ा और असल में ये है कि अबू जी रात को उनको नींद बहुत कम आती है तो पाकिस्तान में तो अब मेरे ख्याल में एक या दो बजे का रात के एक दो बजे का टाइम होगा और अबू जी से फिर मैंने गपशप लगाई और उसके बाद ये है कि बाकी जो रह चीज़ें जी होम रेमेडी की तो वो बनाने के लिए किचन में दोबारा से आ गई तो अभी लेमन का जूस निकालूंगी तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि इस सब चीज़ों का एक एक कप चाहिए इन सब चीज़ों का आप जो है ना वो जूस निकाल रहे हैं और उसके बाद आपने इनको है हाँ बॉईल करना है सवाए हनी के और इतना बॉईल करना है ताकि ये जो भी सारा आपने जूस निकाला है ये हाफ़ आपके पास बचे तो जब ये ठंडा हो जाएगा ठंडा होने के बाद आपने इसमें हनी ऐड कर लेना है और वो भी एक कप ऐड करना है और जब ये रेडी हो जाए तो आपने बस इसको एयर टाइट जार में जो शीशे का जार होता है उसमें आप डालें और आप इसको फ्रिज में रख दें तो आप इसको तीन या चार मंथ के लिए यूज यूज़ कर सकते हैं अब आपको मैं बताऊंगी कि इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आप सुबह निहार मुँह आप इसका जो है एक टेबल स्पून होता है वो आप सुबह निहार मुँह ले सकते हैं और उसके अलावा आप अगर चाहें तो नाश्ते के बाद भी आप इसको, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं तो बहुत से जो लोग हैं जिनको हेल्थ इशू डिफ़रेंट डिफरेंट होते हैं तो वो ये चीज़ें कुछ लोगों के लिए जैसे फर्ज़ करें किसी को मतलब बे मैदे का अल्सर है या कोई इस तरह की कोई इश्यूज हैं तो फिर वो ये है कि डॉक्टर से मशवरा लेने के बाद ही फिर इस तरह की चीज़ों को इस्तेमाल करें लेकिन ये है कि इसका किसी किस्म का कोई भी आपकी बॉडी को कोई नुकसान नहीं होता ये बहुत ही अच्छा है ये आपके दिल की शरियनों को खोलता है बहुत आपको अगर हार्ट का कोई मसला है या आपको इस तरह से है कि कोई स्टंट आपको पड़ने वाला है या आपकी कोई वो शरियनों में कोई ब्लॉकेज है तो उसके लिए ये बहुत ही अक्सर का काम देता है क्योंकि हमने इसको बहुत खुद भी इस्तेमाल किया है और अभी भी यहाँ पर जब हम आए हैं तो आज इस यही बनाने का मकसद है कि हमें भी इसका बहुत सा फ़ायदा हुआ है तो यहाँ पे भी कुछ जो है ना वो कंप्लेन कर रहे थे इसी तरह से हार्ट की तो हमने कहा चले हम खुद बनाते हैं अपने लिए भी तो हम आप लोगों को भी देते हैं तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे ये बना रहे हैं यहाँ पे मेजरमेंट करते हुए मैंने जो लेम, लेमन की मेजरमेंट आपको बताई है वही कप मैंने लिया और बाकी चीज़ों की भी मेजरमेंट सेम इसी तरह से आप करें क्योंकि मैं जो है ना जब ये बना रही थी तो उस वक्त ये है कि सभी इकट्ठे हो गए सभी जो है ना वो आ, अपना अपना जो है ना वो हिस्सा डाल रहे थे यानी कि आगे देख रहे थे क्या करना है क्या नहीं तो मैं जो है ना वो वीडियो वो वाली शूट नहीं कर सकती नहीं तो मैं आपको बाकायदा बताती कि तमाम चीज़ों को इस तरह से आपने मेजरमेंट सब चीज़ों की करनी है तो बहरहाल जी ये तरीका है फिर भी आप जिन लोगों को कोई इस तरह का शुगर का मसला हो इसमें हनी है तो हो सकता है कि वो इस तरह की चीज़ें जो है ना उनके लिए सही ना हो तो बेहतर यही है कि आप जो है ना पहले इसके बारे में थोड़ी सी जो है ना वो जानकारी लें और अपने डॉक्टर से भी मशवरा करें और उसके बाद आप इस्तेमाल करें तो अगर आप दिन में दो दफ़ा लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं और इसका आपको फ़ायदा ही होगा इसका नुकसान कोई नहीं है तो बहरहाल जी आपके सामने जो जितनी भी ये मेरी रेमेडी थी मैंने एक ए, और चीज़ आपके साथ शेयर करनी है बाकी तो मैंने सारी चीज़ें शेयर कर दी मुझसे एक मिस्टेक ये हो गई थी कि मैंने इसको बनाया है सिल्वर के पैन में बनाया था तो इसको जब भी आप स्टील का लें या कोई इस तरह जो मट्टी की वो हंडी होती है उसमें आप इसको बनाएँ तो इसके जो कलर है उसमें बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं आएगा हम लोग यहाँ पे नीचे जो है ना वो गैराज में आके बना रहे हैं क्योंकि जो गार्लिक होता है उसकी बहुत ज़्यादा स्मेल होती है तो बच्चे भी जो है ना वो अंदर थे और हमने सोचा कि हम लोग यहाँ पे बाहर ही बनाएंगे ताकि हम गैराज का दरवाज़ा यहाँ से खोल देंगे तो सारी स्मेल जो है वो बाहर निकल जाएगी लेकिन यहाँ पर मेरे ख्याल सारे को पता चल गया था कि हम कोई ना कोई ख़ास काम कर रहे हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा इसकी स्मेल थी ना कि कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था तो बहरहाल जी ये जो है ना वो थोड़ी थोड़ी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ यहाँ पे बनते हुए आप देख रहे हैं कि ये जो है ना वो इसका कलर जो है ना वो यहाँ इस सिल्वर के पैन की वजह से जो है ना वो चेंज हो चुका है हमने जो है ना अपनी तरफ से कलमंदी किया कि ये देखें ये कितना ज़्यादा जो है ना यहाँ से इसका जो जो आग निकल रही है ना तो वो उससे जो पेन है वो काला हो रहा है तो हमने कहा कि चलें वो पेन ख़राब ना हो तो हम ये ले जाते हैं क्योंकि ये इतना कोई ख़ास पेन नहीं है तो फिर ये है कि हमारी जो रेमेडी थी उसमें थोड़ा सा फ़र्क आ गया तो बहरहाल इससे भी कोई ख़ास जो है वो नुकसान नहीं होता है लेकिन बेहतर यही होता है कि आप जो है ना वो दूसरा कोई इस तरह का पैन कढ़ाई जो भी आपने यूज़ करनी है तो वो इस तरह की आप यूज़ करें मेरा दिन तो बहुत ही मसरूफ़ आज का गुज़रा तो ये देखें जी बच्चों ने कितना अच्छा जो है ना वो मुझे सरप्राइज़ दिया मेरी सिस्टर ने और ए, मेरे जो पहनोई हैं माशाल्लाह से उन्होंने बहुत ज़बरदस्त किस्म का मुझे सरप्राइज़ दिया मुझे नहीं पता था मैं कमरे में बैठ के ऐसे ही जो है ना वो एडिटिंग कर रही थी तो वो सब जो है ना वो ये लेकर आ गया और मैं बिल्कुल <laughs> हैरान ही होगी क्योंकि मैंने किसी को बताया नहीं किसी को पता नहीं था लेकिन मेरी बर्थडे ऐसी होती है कि फैमिली में छः सात लोगों की होती है तो फिर ये है कि वो भूलती नहीं है क्योंकि सभी की होती है तो भूलती नहीं है तो मेरी तो कभी भी किसी को भूली नहीं है तो मैंने कभी खुद से जो है ना वो सेलिब्रेट भी नहीं की लेकिन ये है कि काफ़ी तो तरफ से जो फ़ोन के मैसेजेस वगैरह वो आ जाते हैं तो सबको जो है ना वो पता चल जाता है मैंने तो बच्चियों की भी कभी जो है ना वो बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट नहीं की तो माशाला से जी बहुत ज़बरदस्त किस्म की इन्होंने मेरी बर्थडे जो है ना वो सेलिब्रेट की बहुत अच्छे जो है ना वो गिफ्ट लेके आए सारे और मैं भी काफ़ी ज़्यादा हैरान भी हुई और खुश भी हुई अच्छा भी लगा तो सिस्टर भी जो मेरी हैं वो उनकी जो है आपको पता ही थोड़ है थोड़ी सी परेशान रहती हैं वो भी काफ़ी खुश थी और वही जो है ना ये सब कुछ अरेंज कर रही थी तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा तो जी आज ये थी कि ये मुझे जो सरप्राइज़ मिला वो यही था कि बच्चे जो है वो गिफ्ट भी लेके आए बड़ा अच्छा केक भी आया और फिर मैंने जो है ना वो छोटी जो मेरी बी है मैंने कहा आप ही केक काटे क्योंकि अब बच्चों के होते हुए बड़े जो है ना केक काटते हुए अच्छे नहीं लगते उसने केक काटा और फिर बहुत ज़बरदस्त किस्म की मेरी बर्थडे हो गई जी तो फिर हमने जो है कहा कि अब हमारी तरफ से ये ट्रीट है कि आज जो है ना फिर खाना वाना आप रात का रन नहीं दें तो आज फिर जो है ना वो हम बाहर से मंगवाएंगे तो लेट नाइट फिर हमने बाहर से खाना मंगवाया और सब ने खूब जो है ना वो इन्जॉय किया तो ये था जी आज का मेरा जो सरप्राइज़ था बड़ा अच्छा लगा क्योंकि मैंने जो है ना इन चीजों को बैन किया हुआ था लेकिन <laughs> ये है कि यहाँ पे मिलके सबके साथ जो है ना वो बर्थडे करना भी अच्छा लगा। खूबसूरत से फूल मेरी सिस्टर ने मुझे जो है ना वो सरप्राइज जो है वो मेरे लिए मंगाया बर्थडे के और भी साथ बहुत खूबसूरत से फूल और कुछ छोटे छोटे गिफ्ट्स आहिनि थैंक्यू सो मच जो ले के आयां जीाउ सलामत रखियो ढेरो ख़ुशी आहे रात का खाना आ चुका है हम लोगों ने बाहर से ही ऑर्डर किया था और खाना आ गया अब हम खाना खाने लगे हैं आज का जो मेरा ब्लॉग था आज की जो फुल डे की रूटीन थी वो मैंने आज आपके साथ शेयर की है जी कैनेडा में हमारे आज कल दिन इसी तरह से गुजरते हैं बच्चों का अभी स्कूल का जो है ना वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है और उसके अलावा ये है कि हम लोग जो है ना वो अभी घर में ही होते हैं बाहर की थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ होती हैं लेकिन उस तरह से जिस तरह से यूके में हम लोग मसरूफ़ होते थे बिल्कुल जो है ना वो वक्त नहीं मिलता था और हम लोग बस बाहर की तरफ ही दौड़े होते हैं ये करो वो करो काम पे जाओ काम से वापस आओ बच्चों को स्कूल छोड़ो बच्चों को स्कूल से ले आओ तो यहाँ पर अभी जो है ना हमारी जितनी भी रूटीन है काफ़ी ज़्यादा स्लो चल रही है तो आप बताइएगा कि आज की रूटीन हमारी आप कैसी लगी है तो आज की मेरी बर्थडे जो सरप्राइज़ है वो भी कैसा लगा आपको तो ज़रूर जो है ना वो अपनी राय का इज़ार कीजिएगा तो चलें जी फिर इसके साथ साथ ये है कि मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त आपने दो में याद रखना है और अपना जो है ना वो फीडबैक देते रहिए क्या तो इसके साथ मैं चाहूँगी इजाज़त अल्लाह हाफिज़